6 दिसंबर 1956 का वह दिन जिस दिन संपूर्ण चैत्य भूमि परिसर जय भीम के नारों से गूंज उठा था। मौजूद सभी के आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी। वह दिन था संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण का, जिन्होंने तत्कालीन जातिवाद पर प्रहार कर देश को सर्वसमावेशी संविधान देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आज ही के दिन सन 1956 में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर अर्थात संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का देहावसान हुआ था। गरीब एवं दलित वर्ग की स्थिति और जीवन में सुधार लाने में भीमराव आम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समाज सेवा सहित रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कई सालों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन कर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के नियम के मुताबिक हुआ, जहां मुंबई के दादर चौपाटी में जिस जगह डॉक्टर आम्बेडकर का अंतिम संस्कार किया गया था उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। आज के दिन यह बाबा साहेब आम्बेडकर के लाखों अनुयायी बाबा साहेब की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यूं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन पट काफी संघर्ष भरा रहा है और आज उन्हीं की बदौलत हम भेदभाव और छुआछूत रहित समाज में रह रहे हैं। जिनका जीवन चरित्र काफी महान है, जिसे शायद पृथ्वी तल के पूरे जल की शाही और आकाश इतने कागज पर भी पूरा लिख पाना संभव नहीं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विषय में कुछ खास बातें। भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे भीमराव जी आम्बेडकर लोगों के बीच में बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में सुभेदार रामजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर आम्बेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन प्राप्त किया था। जहां उन्हें अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन हुए। वे एक महानायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, संग्रामी स्वभाव, ये सभी गुण उनकी अद्वितीय प्रतिभा को खास बनाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में लगा दिया, खासतौर पर भारत की 80% दलित सामाजिक एवं आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही आम्बेडकर का जीवन संकल्प था। उन्होंने समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करने के लिए बहुत कोशिश की, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया था। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते थे। डॉक्टर आम्बेडकर का संकल्प था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा तथा समाजवाद के बिना दलित और मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं थी। अतः उन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया और आह्वान किया कि छीने भी अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। भारतीय संविधान की रचना हेतु डॉक्टर आम्बेडकर के अलावा और कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुनकर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनकी आवास में नींद के दौरान हो गयी। वे मधुमेह से पीड़ित थे। मरणोपरांत सन 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे महान नायक को इनमें सेन परिवार कोटि कोटि नमन करता है। जय भीम, जय भारत।